नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ 3 दादी माँ का परिवार का प्रश्न और उत्तर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले कौन सा प्रश्न है मैंने समझा, मतलब ये जो कहानी है दादी माँ का परिवार, ये कहानी पढ़कर के आपको क्या समझ में आया वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखो, हमने लिखा है कि संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, मतलब चाहे कोई भी संकट आ जाए पर हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य एवं एकता से उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। एक साथ मिलकर कार्य करने से जीवन में आई हर मुसीबत से हम आसानी से निपट सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, ये सभी आपको खुद से करने हैं, ठीक है। तो इन सभी को आप खुद से कर लेना, मैं आपको बता देती हूँ। चलो अभी आगे देखो, यहाँ पे पहला क्या है कि घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। देखो यहाँ पे ना, ये सभी क्रम से नहीं लिखे गए हैं कि पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा गया है। आपको इन्हें क्रम में लगा करके लिखना है। तो देखो, सबसे पहले आएगा घ वाला, जो लास्ट में है ना, वो सबसे पहले आएगा। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। फिर दूसरे नंबर पर क वाला आएगा, चिंकी ने भी दो बेटों का उपहार दिया। फिर तीसरे नंबर पर ख वाला आएगा, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। और चौथे नंबर पर आएगा ग वाला, डीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लग गए। अब इसमें दूसरा क्या है कि एक दो वाक्यों में उत्तर लिखो। तो चलो हम लिखते हैं। देखो इसमें चौ प्रश्न क्या है कि चिड़िया कहाँ रहती थी, तो बताइए चिड़िया कहाँ रहती थी। तो चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर बने घोंसले में रहती थी। देखा आपने कितना आसान इसका उत्तर है। छ इसमें क्या है कि बहेलिया कब ठगासा रह गया, तो इसका उत्तर देखो, बहेलिए ने जब जाल में फंसे सभी पंछियों को एक साथ जाल सहित उड़ते देखा, तब वह ठगासा रह गया, ठीक। चलो ज देखो, यहाँ पर दादी माँ सुबह उठकर क्या करती, तो इसका उत्तर क्या होगा, दादी माँ सुबह उठकर घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन रखती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बातें करती और रात होते ही सो जाती। ज चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा, तो इसका उत्तर क्या होगा, चुस्कू मुस्कू ने अपने पहने दांतों से जाल काटा, ओके। चलो अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है भाषा की ओर, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करो। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो भी आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं ना, इन शब्दों का वचन बदलना है। वचन बदलना मतलब क्या, अगर वो एक वचन है तो आप बहुवचन करो, और अगर बहुवचन है तो एक वचन करो, और फिर उसके बाद आपको वाक्य में प्रयोग करना है। समझ में आया। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए दिया हुआ है थैलियाँ, तो इसका जब आप वचन बदलोगे, ये तो अभी बहुवचन है, ठीक है, तो इसका एक वचन क्या होगा, थैली। तो देखो इसका वाक्य भी लिखा हुआ है, पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या है पंखा, तो बताइए पंखा क्या है, एक वचन है, अभी इसका बहुवचन क्या होगा, तो इसका बहुवचन होगा पंखे। इसका वाक्य प्रयोग आप देखो, इस दुकान में बहुत सारे पंखे लगे हैं, है कि नहीं। अब उसके बाद यहाँ पर अगला दीवार, तो दीवार का बताइए क्या होगा, तो दीवार का होगा दीवारें। इसका उत्तर देखो, सोना के घर की दीवारें बहुत ही ऊंची हैं, ठीक। यहाँ पर देखो अगला राजा, तो राजा का बहुवचन क्या होगा, राजा का बहुवचन होगा राजाओं। वाक्य प्रयोग देखिए, राजाओं की सभा लगी है। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, एक बार मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। चलो अभी आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या दिया है, हाँ यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, वचन बदलना है और वाक्य प्रयोग करना है। तो वस्तुएं का वस्तु होगा, इसका वाक्य प्रयोग देखो हमने लिखा हुआ है, मेरी वस्तु कहीं खो गई है। भेड़िया का क्या होगा, भेड़िए, वाक्य प्रयोग जंगल में भेड़िए दल बनाकर शिकार करते हैं। बहू का बहुएं, तो मेरी तो पांच बहुएं हैं। और फिर रोटी का रोटियां, वाक्य क्या होगा, मेरे घर पर जो मेहमान आते हैं वो बहुत सारी रोटियां खाते हैं, ठीक है। तो आप एक बार पूरा के पूरा इसको देख लो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने लेसन नंबर 3
दादी माँ का परिवार का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोस और भी बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।